एमआरआई मशीन के आगे कोई झूठ बोलता है तो ये मशीन उसकी जान ले लेती है। आपको ये बात सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा, आइए जानते हैं इसके बारे में। ये एक सच्ची घटना है जो कि मुंबई में घटी थी। मुंबई का एक लड़का था जो किसी के कहने पर जहां एमआरआई मशीन रखी होती है वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चला गया, और ऑक्सीजन सिलेंडर लोहे का होता है। इस लड़के को कोई भी आइडिया नहीं था कि ये एमआरआई मशीन कितनी पावरफुल हो सकती है। जैसे वो लड़का उस रूम में एंटर होता है तो मशीन का पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड दूर से ही उस लड़के को खींच लेता है और इस लड़के की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि मशीन के बिहेवियर को बताना है। जो क्रेन कचरे की गाड़ियों को उठाती है उसकी पावर 1 टेस्ला पावर की होती है, जो किसी भी कार को मैग्नेट से आसानी से उठा लेती है। टेस्ला एक यूनिट होती है जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बबताती है, और एमआरआई मशीन 3 टेस्ला पावर की होती है। इस मशीन के पास इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है कि आप उसके पास एक लोहे की कील भी लेकर नहीं जा सकते। बेसिकली एमआरआई मशीन बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका पता आसानी से लगा लेती है, वो भी प्रॉपर डिटेलिंग के साथ। और स्पेशली इस मशीन का यूज ब्रेन की स्कैनिंग के लिए होता है। मशीन के बीच में आपको एक बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसमें पेशेंट के हेड को रखा जाता है और चारों तरफ रिंग दिखाई दे रही है, उसी का सारा यूज होता है। इस रिंग के अंदर एक सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट होता है जो एक परमानेंट मैग्नेट होता है, और रिंग के अंदर एक कॉइल होती है जो मैग्नेटिक होती है, जो टाइटेनियम की बनी होती है, और इस कॉइल में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। और इसको सबसे पहले चार्ज कर लिया जाता है, और जैसे ही ये चार्ज हो जाता है वैसे ही उसमें करंट सर्कुलेट करने लग जाता है, और ये करंट अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है, और ये कॉइल सुपर कंडक्टिंग स्टेज पर आ जाता है और इसके पास स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। और इस कॉइल का रेजिस्टेंस ही 0 है तो हमें इन्हें बाहर से कोई सप्लाई देने की जरूरत नहीं है। एक बार इसको चार्ज कर दो और जब ये सुपर कंडक्टिंग स्टेज पर आ जाए तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइफ टाइम तक रहेगी। हमारी बॉडी में 60% पानी होता है और पानी में हाइड्रोजन एटम होते हैं, और हम जिंदा है तो इन हाइड्रोजन एटम के पास कोई ना कोई एनर्जी भी होगी। ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और रैंडमली अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं। जब एटम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तब ये मैग्नेटिक फील्ड इन सबको एक लाइन में सेट कर देगा। ये जो मैग्नेट होता है उसकी फील्ड होमोजीनियस होती है, जिसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बॉडी के हर एक एटम पर इक्वल फोर्स लगाता है। अभी बॉडी के एटम अच्छे से मैग्नेटिक फील्ड के साथ सेट हो गए हैं। अब बात करते हैं जब ब्रेन की स्कैनिंग होती है, तब हमारे ब्रेन के पास ऐसा कंपोनेंट सेट किया जाता है जिसे रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल कहते हैं। ये कॉइल ब्रेन के अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेजता है, और ये लगातार नहीं भेजता, ये एक बार पल्स भेजता है और फिर इसको बंद कर दिया जाता है। और रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल का रिसीवर हमारे ब्रेन के पास में लगाया होता है, और जैसे ही सारे एटम अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं ये रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल का रिसीवर अपनी एनर्जी को सेंस कर लेता है। मान लो दिमाग में कोई क्लॉट जमा हुआ है और क्लॉट के पास पानी के एटम ज्यादा मात्रा में होंगे। जैसे एक हेल्दी ब्रेन होता है और एक अनहेल्दी ब्रेन जिसमें क्लॉट जमा हुआ है, और यहाँ जो इतने सारे हाइड्रोजन एटम है जो वापस फ्रीक्वेंसी रिलीज करेंगे उसका बिहेवियर कुछ अलग होगा। कुछ एटम जल्दी एनर्जी रिलीज कर देंगे और कुछ देर बाद, और जो रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल है उसको पता चलता है कि यहाँ से कुछ अलग फ्रीक्वेंसी आ रही है और ज्यादा मात्रा में आ रही है। रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल में बेसिकली इंडक्टर और कैपेसिटर होता है जो वापस मिल रही फ्रीक्वेंसी से मिलकर एक चार्ज और डिस्चार्ज ग्राफ बनाते रहते हैं। लेकिन अभी भी डॉक्टर को ये पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम है कहाँ पर, बस ये पता चलता है कि एक प्रॉब्लम फाइंड आउट हुई है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट इमेज बनानी है, क्योंकि जिस पॉइंट पर प्रॉब्लम है उसको सही करा जा सके।
क्योंकि अभी मशीन को ही नहीं पता कि जो प्रॉब्लम फाइंड आउट हुई है वो ब्रेन के किस हिस्से में है। और अब एग्जैक्ट इमेज के लिए मशीन के ग्रेडियंट कॉइल सामने आते हैं और ग्रेडियंट कॉइल ही एग्जैक्ट इमेज बनाने में हेल्प करते हैं। और जब MRI किसी पेशेंट की होती है तो उसमें 30 से 40 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी मल्टीपल टाइम भेजी जाती है। एक एग्जैक्ट इमेज बनाने के लिए इस मशीन के जितने भी एक्सरे के साइड इफेक्ट होते हैं, वैसे तो कोई साइड इफेक्ट होते ही नहीं है, लेकिन पास्ट में आपकी कोई सर्जरी हुई है या आपकी बॉडी में कोई लोहे का पार्ट डला हुआ है तो आपको डॉक्टर को पहले से ही बता देना है कि आपके पेट में कुछ है या पास्ट में कोई सर्जरी हो रखी है। कुछ भी नहीं छुपाना है, क्योंकि कुछ भी नहीं बताओगे तो जब आप उस मशीन के पास जाओगे तो वो मशीन आपकी बॉडी को फाड़ कर वो लोहे का टुकड़ा बाहर निकाल देगी। इसीलिए जो भी डॉक्टर आपसे पूछे आपको सब कुछ सच सच बताना है, खासकर MRI मशीन के वक्त। तो दोस्तों, ऐसे काम करती है MRI मशीन। अगर आपको हमारी ऐसी वीडियोस पसंद है तो कमेंट में जरूर बताना।